साथियों, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मौर्य गुरु एकेडमी में। दोस्तों, अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आया है, बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना निकाल के लेके आया हुआ है। दोस्तों, सभी लोगों को ये हर महीने 1000 रुपये प्राप्त होंगे। आपने सही सुना दोस्तों, सभी लोगों को 1000 रुपये प्राप्त होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है आप लोगों को। सिर्फ कुछ दस्तावेज लगेंगे, जितने भी आप लोग बिहार के निवासी हैं। भत्ता योजना दोस्तों, सहायता भत्ता योजना निकल के आया हुआ है बिहार की तरफ से। जितने भी बिहार के निवासी हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आया है। चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी जान लेते हैं। इसके लिए क्या है, क्या है, कैसे करना है आपको अप्लाई ऑनलाइन, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों प्यारे, जितने भी आप लोग बिहार के निवासी हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट ये निकल के आया हुआ है। देख सकते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कहे तो नीतीश कुमार, दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के हैं, उन्होंने स्वयं ये योजना का शुरुआत किया है। अगर मुख्यमंत्री से आप क्या उद्देश्य रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका उद्देश्य ये बेरोजगारों लोगों को 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों के खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे। खाते में दिए जाएंगे तब दोस्तों आप लोगों को कुछ इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोगों के खाते में कुछ आपके दस्तावेज लगेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों के खाते में 1000 रुपये हर महीने, हर मंथली, मतलब आप लोगों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। कोई ये नहीं है कि एक बार दिया जाएगा उसके बाद नहीं देंगे, नहीं, हर मंथली आपको मिलेगा, ठीक है। तभी वो बेरोजगार लोग, जैसे कि देख सकते हैं, राशि आपको बेरोजगार ढूंढने में उपयोग कर सकें। क्योंकि सरकार का मानना है कि बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जो पैसे को कमी के कारण रोजगार नहीं ढूंढ पाते हैं, उन्हें देख सकते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को 1000 रुपये राशि देने की घोषित किया हुआ है। दोस्तों, वह अपने भविष्य संभाल सकें कि 1000 रुपये की जो भी राशि मिल रही है बिहार के निवासी लोगों को, वो अपना कुछ तो कुछ इससे प्रॉब्लम सॉल्व उनका हो सकता है। दोस्तों चलिए आगे की अपडेट जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर जो हमारे न्यू यूजर हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे जो भी न्यूज से न्यू रिलेटेड खबर होगा आप लोगों के पास तुरंत इस वीडियो चैनल के जरिए आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे की प्रक्रिया जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना में किस प्रकार ऑनलाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, आवेदन करेंगे तथा इसकी हमें क्या लाभ मिलेगी। दोस्तों, हमें हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आप लोगों की सबसे बड़ी अपडेट निकल आया है, तो चलिए जान लेते हैं इस योजना का कैसे लाभ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या करना होगा, इस योजना में 12वीं पास रोजगारों का हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। जो 12वीं पास स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के लिए खाते में 1000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगा, इसको वीडियो को पूरा देखते रहिए, समझिए। रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी, बेरोजगारों अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे, इससे बेरोजगारी दूरी होगी, ठीक है। दोस्तों, 1000 रुपये जो 12वीं पास के स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहला आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइम आवेदन, देख सकते हैं, आवेदक बिहार का रहने वाला हो, जैसे कि अगर बिहार के निवासी हैं उन्हीं लोगों के लिए ये योजना निकल के आया हुआ है। आवेदक की उम्र 20 से 25 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, 20 से 25 साल तक ये होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा स्टेप आपको क्या करना होगा, आवेदक के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे लोगों, सभी लोगों को पता है कि हमारे पास कमी रोजगार होते हैं। रोजगार किसके पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। अगर रोजगार हो तो ये 1000 का लाभ क्यों उठाए हो, ठीक है। चलिए आगे की जान लेते हैं विस्तार से। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपके इस दस्तावेज क्या लगेंगे इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए, दोस्तों पहला फर्स्ट टाइम देख सकते हैं आधार कार्ड, दूसरा आपको क्या लगेगा देख सकते हैं वोटर कार्ड, तीसरा इनकम सर्टिफिकेट और चौथा बिहार का बोनाफाइड। दोस्तों, बोनाफाइड लगेगा आपको, ध्यान रखिए, ठीक है, बिहार का बोनाफाइड लगेगा। चार स्टेप लगेंगे आपको, चार दस्तावेज लगेंगे इसमें आपको। ये अगर आपके पास है तो आपको 1000 रुपये हर महीने आपके खाते में दिए जाएंगे। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, चलिए इस फार्म को कैसे फ्लिप करना आपको पूरा इसमें बता देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके डायरेक्टली होम पेज पे आ सकते हैं। फॉर्म कैसे फ़िलअप करना है आप लोगों को पूरा विस्तार से बता दिया गया है। दोस्तों, आप लोग वहां से जाकर लिंक पे सर्च करिए, आप लोग सीधा वहां से फॉर्म फ़िलअप करिए। पहले आपको न्यू यूजर वहाँ पर बनना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए। आप लोगों को बता दिया हूँ आईडी क्या क्या लगेगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। आईडी के रूप में आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद वोटर कार्ड चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बिहार का बोनाफाइड चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें।
दोस्तों यहाँ पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए आपको वेबसाइट ऑनलाइन वेबसाइट दिया हुआ है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों आपको एक होम पेज आएगा। इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें, भरें, सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो जो वहाँ पर चाहिए आप लोग दे दीजिए। वहाँ पर आप उस होम पेज पर जो भी आपको मांगेगा उस पेज पर भर दीजिएगा सारा कुछ अपना। भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा सबमिट दोस्तों। 1,000 रुपये आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, दुआ करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व होगा। दोस्तों आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर किसी जरिए आपको वीडियो मिला है तो आगे भी वीडियो को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय वंदे मातरम।